हेलो बच्चों, आप सभी को वासु एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास नाइन्थ का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 8 जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जो मोशन। आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मोशन क्या होता है। ये मोशन को रेस्ट में या मोशन में ऑब्जेक्ट है या रेस्ट में है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ये मोशन में है या रेस्ट में है। इसको हम पता करने के लिए कुछ पॉइंट्स को याद करना पड़ता है या कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ता है। एक जैसे पहला पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बताएंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज का पार्ट्स है वो बताएंगे कि ये कौन सा कैटेगरी में आता है, या स्केलर या वेक्टर का कौन सा कैटेगरी कितने भागों में बांटा गया है, ये समझ हम बताएंगे। और तीसरी बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और दोनों का डिफरेंस, ये जरूरी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम मोशन को देखते हैं कि मोशन होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्लास नाइन्थ का चैप्टर चैप्टर 8 फिजिक्स। चैप्टर 8 फिजिक्स, चैप्टर नेम क्या है, मोशन। तो बताइए भाई, व्हाट इज मोशन, मोशन होता क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन में चला जाए, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूवमेंट हो, तो वो समझिए कि उसे मोशन कहते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जेक्ट वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, किसी रेफरेंस पॉइंट के ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे पॉइंट पर चला जाता है, उसी को मोशन कहते हैं। जैसे मैं सपोज मान ली कि ये एक, समझिए कि एक यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, पॉइंट ए पे, ये पॉइंट बी, ये यहां से चल के यहां पे आ जाता है, ठीक है, यहां से चल के यहां पे चला आया। तो जो यह थर्ड पर्सन है, अगर ये देखेगा तो लगेगा कि ये इंसान यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया है, ये देखा था, इसका मतलब कि इसमें मोशन है, तब ना यहां से यहां चला गया, कोई गति कोई स्पीड के हिसाब से वहां से यहां डिस्प्लेस हो गया, तो इसी को हम मोशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि मोशन जो होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट या तीन ऑब्जेक्ट किसी के बीच में भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, कोई स्पीड से कोई चीज जा रहा हो, दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से जा रहा हो, और अगर कोई वही एक दूसरे को देख रहा हो, तो उस देख एक दूसरे को लगेगा कि हम दोनों रेस्ट में हैं। लेकिन वही अगर तीसरा इंसान बाहर से रोड पर से किसी को देख रहा होगा, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहा हो, और तीसरा इंसान उसे देख रहा हो, तो उसे लगेगा ये मोशन में। बस अगर ये दोनों देखेगा तो इसे लगेगा कि नहीं, ये मोशन में नहीं है, हमें लगेगा कि वो रेस्ट में है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट होता है एक तरह से, वो इंडिकेटर हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है, इंडिकेटर या ऑब्जर्वर, या किसी को उससे हम ऑब्जर्व करें या उससे हम समझें कि इससे रिलेट करें कि हाँ इसके ऑब्जर्व से, इसके इंडिकेटर के हिसाब से ये मोशन में है या रेस्ट में है। तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर,
इंडिकेटर या इसको ऑब्जर्वर बोल सकते हैं, ऑब्जर्वर, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट को ही चाहे ऑब्जर्वर बोलिए चाहे इंडिकेटर बोलिए, क्योंकि विदाउट रेफरेंस पॉइंट किसी को आप नहीं कह सकते कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। जैसे कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल मान लिया जाए कि एक ये कार है, ठीक है, ये कार है, और अगर अगर एक दूसरे को देखें तो एक और कार को देखते हैं, ठीक है, एक ये कार हुआ, एक नेक्स्ट इसे ले लेते हैं, ठीक है, ये कार हो गया, एक ये कार हो गया। अब इसका डायरेक्शन ये साइड है, इसका भी डायरेक्शन ये साइड है, ये मान लीजिए मारुति है, ये अल्टो, ये मारुति, मारुति, ये अल्टो, ये मारुति है, ठीक है, इसका भी डायरेक्शन ये साइड है, इसका भी डायरेक्शन ये है, और इसका स्पीड जो हो गया ये 25 किलोमीटर पर आवर, इसका भी 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दोनों का स्पीड सेम है। अगर ये इंसान इधर से ये साइड जा रहा, ये भी यही साइड जा रहा, अगर ये इसको देखेगा तो इसको लेके ये भी रेस्ट में है, क्योंकि इसका भी स्पीड और इसका स्पीड सेम है, दोनों स्पीड सेम रहेगा तो दोनों साथ ही जाएगा ना, दोनों साथ ही जाएगा तो दोनों का कभी पोजिशन चेंज होगा, इसको भी ये देख सकता है, इसको भी ये देख सकता है, अरे स्पीड रहेगा तब ना ये आगे निकलेगा या पीछे जाएगा, दोनों का स्पीड सेम है मतलब कि दोनों एक साथ जा रहा है, तो इसको लगेगा कि ये रेस्ट में, इसको लगेगा कि ये रेस्ट में, मतलब रेफरेंस पॉइंट पहले इसको माने रेफरेंस पॉइंट, फिर उसके बाद इस सेकंड में इसको रेफरेंस पॉइंट माने, तो इसको रेफरेंस मान रहे हैं तो इसको लगता है ये रेस्ट में, इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं तो इसको लगता है ये रेस्ट में, ठीक है। अगर यही चीज अगर हम रेफरेंस पॉइंट थर्ड पार्टिकल्स को मान लेते हैं, जैसे थर्ड पार्टी को, थर्ड ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट, अगर यहाँ एक इंसान है जो यहाँ पर से सब कुछ देख रहा है, नीति ये भाई इन लोग देखो लड़ रहा है, कहा है भाई तो कह रहा है हम साथ हैं तो वो हम साथ हैं तो अगर ये देख रहा है इसको, तो ये देख रहा है और ये फिर इसको देख रहा है, तो इस ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये जब देखता है तो देख रहा कि दोनों मोशन में है, क्योंकि दोनों मूवमेंट कर रहा है, एक पोजीशन से पोजीशन, यहां से अगले कुछ सेकंड में पोजीशन यहां हो जाएगा, इसका मतलब कि पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये मोशन में है। तो यही कहने का मतलब कि विदाउट रेफरेंस पॉइंट हम कभी कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि कौन रेस्ट में है या कौन मोशन में है, इसीलिए रेफरेंस पॉइंट को सबसे पहले समझना होगा, कि रेफरेंस पॉइंट को सबसे पहले चुनना होगा कि किसको हम रेफरेंस पॉइंट माने और किसके रिस्पेक्ट में, किसको हम रेस्ट में माने और किसको मोशन में माने। तो आप ये बात समझिए रेफरेंस पॉइंट क्या है। चलिए आपको अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट ऑब्जेक्ट में होगा और वो एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा या स्ट्रेट पाथ पे जाएगा, तभी वो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, सॉरी ठीक है। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट
लाइन, लाइन या पाथ, पाथ, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, स्ट्रेट पाथ। तो बोल रहा है कि जो मोशन हो, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट यहां है, जब कोई ऑब्जेक्ट कोई एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता हो, ठीक है। तो मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, मोमेंट कहां कर रहा है भाई, कोई एक स्ट्रेट लाइन पे या स्ट्रेट पाथ पे, सीधा किसी भी डायरेक्शन, किसी भी हो, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे, सिर्फ सीधा रेखा पे वो मोमेंट हो या मोशन हो, तभी हम कह सकते हैं कि मोशन या स्ट्रेट लाइन। जैसे पॉइंट ए से हम, जैसे ये हम पॉइंट ए में, मान कि स्कूल है, स्कूल है, स्कूल से मैं घर पहुंच गए, घर, स्कूल से घर, तो मतलब कि इस पॉइंट से स्कूल से हम घर आए एक स्ट्रेट पाथ में, मतलब एक लीनियर पाथ पे, मतलब किसी भी डायरेक्शन, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस एक लीनियर पाथ पे जब हम ट्रेवल किए, तो समझिए कि जो मोमेंट हम मेरा हो रहा है, मतलब वो स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है, तो इसी को कह सकते हैं कि मोशन इन ए स्ट्रेट पाथ। अगर यहाँ से मोशन, यहाँ से अगर ये फिर इधर चला है, इस पॉइंट पर सी पर आ जाए, तो अगर यहाँ से लेंगे तो ये मोशन स्ट्रेट पाथ पर नहीं हुआ, यहां से अगर लेते हैं तो पॉइंट ए से सी तक लेते हैं, तो अगर वही पॉइंट बी से हम सी तक लेंगे तो ये मोशन होगा स्ट्रेट पाथ पे या स्ट्रेट लाइन पे। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अब है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दोस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप आइए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ये क्या है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड जिसको हम मेजर कर सके, जिसको हम माप सके, नाप सके, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, या टू पार्ट्स में बांटा गया, पहला हो गया क्या, आ गया फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट्स में हो गया, पहला आपको हो गया फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट्स में, पहला आपको स्केलर क्वांटिटी और दूसरा आपको वेक्टर क्वांटिटी, पहला आपको हो गया स्केलर क्वांटिटी और सेकंड क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, दोस क्वांटिटी विच गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड्स, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या देता है मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड्स, उसी को हम क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, कि जैसे कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जैसे 5 मीटर आ गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर कोई स्पीड को मेजर करते हैं, स्पीड कौन से 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, जिसका वैल्यू आए कोई रिजल्टेंट हो वही इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो अगर जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ हो उसी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल इसमें आप देखिएगा तो आपका एक आएगा स्पीड आएगा, एक डिस्टेंस आएगा, एक डिस्टेंस आएगा, फिर आपका आएगा टाइम आएगा,
टाइम आएगा, फिर करंट आएगा, फ्लक्स आएगा, बहुत सा आता है, बस इतना ही लिखते हैं एटी से, इतना क्या वेक्टर क्वांटिटी, दोस क्वांटिटी विच कैन बी गिव्स डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में हो। जैसे मैं इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसी को हम कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं, जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, वेलोसिटी एग्जांपल एक ले रहे हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन इसलिए होता है कि वेलोसिटी एक ही किसी एक डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन जा रहा था इस डायरेक्शन वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन जा रहा था इस डायरेक्शन वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन जा रहा था किसी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। ये नहीं है कि स्पीड की तरह कि उसमें डायरेक्शन ना होगा, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। अब सेकंड पॉइंट हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया किसी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक एक और एग्जांपल हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें है कि डायरेक्शन भी हो, एक्सेलरेशन हो रहा था किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन हो रहा है या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, हाँ किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है, उसी में करें कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। आपको ऐसा लगता है कि डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जा सकता है? जी हाँ, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जा सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस नहीं कहा जा सकता है। अब क्यों नहीं कहा जा सकता है, चलते आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों नहीं कहा जा सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट में जो लेंथ आए, किसी दो पॉइंट के बीच की लेंथ को ही डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे पॉइंट वन, पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये दो पॉइंट हुआ, इसके बीच के डिस्टेंस लेंथ को, इसी के लेंथ को ना डिस्टेंस बोलेंगे। ये लेंथ आ गया कितना, आ गया जितना भी एक्स है, एक्स मीटर, तो यही तो डिस्टेंस हो गया। मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच को हम लेंथ बोलते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच के लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस को हम कैसे और मेजर कर सकते हैं, जैसे हम डिस्टेंस को, जैसे एक पॉइंट ए लिए, यहां से हम यहां गए, ठीक है, फिर हम यहाँ आए, फिर हम यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर उसके बाद यहाँ आए, फिर यहाँ पॉइंट बी पर आए। मतलब कि डिस्टेंस आपको जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है, डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ एनी टू पॉइंट्स, कोई भी टू पॉइंट्स के बीच का सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो इसका सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन है, जैसे हम यहाँ से यहाँ स्टार्ट किए भाई, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, जिस मान के टू हो गया, ये फोर है, ये टू है, फोर है, टू है, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टू प्लस फोर प्लस टू प्लस फोर प्लस टू इज इक्वल टू कितना हो गया, एट एट ट्वेल्व फोर्टीन, फोर्टीन मीटर या फोर्टीन सेंटीमीटर या 14 किलोमीटर, कुछ भी यूनिट ले दीजिए, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया। ये मतलब कि सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को देखा जाता है। डिस्टेंस का मेजर कब होता है, जब किसी दो पॉइंट के बीच का सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ को मेजर करते हैं, वही इसका डिस्टेंस कहलाता है। चलिए तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया, अब इसके बाद आपको बताएंगे कि डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस नहीं कह सकते हैं।
चलिए अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को समझना है कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, क्या लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर पॉइंट ये है, इसके बीच का सबसे जो लॉन्गेस्ट है, सबसे भी शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे पॉइंट ए आइए पॉइंट बी हो गया। अगर सपोज यहाँ से हम स्टार्ट ऐसे गए, ऐसे आए, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को हम मेजर किए, तो ये आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए पॉइंट ये से पॉइंट यहाँ सीधा सबसे लॉन्गेस्ट नहीं सबसे शॉर्टेस्ट तो यही लाइन आएगा। पॉइंट ए और बी के मिलाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट लाइन कौन सा आएगा, यही ना लाइन आएगा पॉइंट ए से एकदम सीधा। तो ये कितना हो गया, ये 2 मान लेते हैं, इसको 4, इसको 2, इसको 4, इसको 2, तो ये कितना, ये 2 हो गया यहाँ तक, ये 2 हो गया, ये यहाँ तक ये तो ये 2 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। मतलब कि पॉइंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये इसको 6 सेंटीमीटर दे दीजिए, ये इसका आंसर आ गया। मतलब कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कोई किसी भी कोई सब डायरेक्शन में जाए उससे कोई मतलब नहीं, मतलब कि यहाँ जाए यहाँ ऐसे 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 ऐसे, अब पॉइंट यहाँ ए है, आई पॉइंट यहाँ बी है, तो ये इससे जो सीधा लाइन जो भी यहाँ मिलेगा यही इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब बात समझ, डिस्टेंस को पूरा मेजर करना पड़ता है, डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ पूरा मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस निकलेगा। सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को जो हम जोड़ेंगे वही इसका डिस्टेंस निकलेगा, और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को जो जोड़ेंगे वही इसका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। इतना बात आई समझ में। चलिए इसके बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस बताते हैं। डिफरेंस बताने से पहले कि एग्जांपल को आप कर लीजिए, ठीक है, एग्जांपल कर लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल क्या है जरा देखिए, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल है, ये इसका सेंटर आ गया, ये इसका रेडियस आ गया, ये इसका रेडियस आ गया, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, इसका डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, ये पॉइंट ओ। तो हमको क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस और ए और बीच का बी का बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेगा, ठीक है,
आप चाहे तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ओके चलिए, तो हम सबसे पहले पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां, फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे कि डिस्टेंस निकलता, डिस्टेंस जब भी निकलेगा तो इसका जो क्या बोले सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो कवर करेगा, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ, तो लॉन्गेस्ट पाथ ए से बी तक पहुंचने के लिए सबसे लॉन्गेस्ट पाथ ए से पहुंचेगा, ऐसे 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 मतलब सर्कमफ्रेंस पे एकदम आएगा सबसे लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। तो आपको पहला का आंसर क्या है, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, क्या है, क्या है, 2πr। तो चलिए सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्किल इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr। अब ये क्या कह रहा है कि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब कि ये ब्रीथ का, ये सर्किल का चार इक्वल भाग में बांटा गया, क्योंकि टोटल 360 होता है, ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 360 हो गया। इसका मतलब ये सर्किल को चार इक्वल पार्ट में बांटा गया है, तो चार इक्वल पार्ट के मतलब कि सर्कमफ्रेंस तो ये 2πr है, ये तो पूरा सर्किल का सर्कमफ्रेंस है, हमको पूरा का तो नहीं चाहिए, हमको पॉइंट ए और बी, मतलब कि ये सर्किल का चौथा भाग, ये सर्किल का चौथा भाग ही उसका सर्कमफ्रेंस है, तो इसका चौथा भाग कौन सा होगा, जैसे यहां पर लिख लेते हैं 2πr इंटू 1/4, इसका चौथा भाग गया इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना हो जाता है 22/7, जिसको 3.14 बोलते हैं, तो 22/7 इंटू, और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, यही तो ये रेडियस है ना, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 1/4। अब इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये क्या आ जाता है 66/7 इज इक्वल टू 9.428। ये आपका क्या आ गया, ए से बी तक का, पॉइंट ए से बी तक का क्या आ गया, आपका डिस्टेंस आ गया, ये टोटल डिस्टेंस आ गया, पहला 9.428 ये डिस्टेंस आ गया। इतनी बात समझ में आई कि टोटल सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, इसका चौथा भाग हो तो 1/4 कर दिए इंटू जितना भी है, रेडियस को रेडियस में दे दिए, पाई का वैल्यू पाई डाल दिए, उसके बाद जो मल्टीप्लाई करके 66/7 आया, उसको डिवाइड करने के बाद 9.428 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसका सेकंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम पता है कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको यह पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि इसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, पॉइंट ए से बी से एकदम सीधा लाइन मिलाने, यही से शॉर्टेस्ट पाथ, इससे शॉर्ट कोई पाथ हो सकता है पॉइंट ए और बी मिलाने के लिए, नहीं ना, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ए पॉइंट बी हो गया। तो ये पॉइंट ए और बी ये 90 डिग्री, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल जब हो गया तो इसका हमको हाइपोटेनस निकालना, बेस हमको पता है, लेंथ भी हमको ये पता है, बेस भी पता लेंथ भी पता, हाइपोटेनस निकालना, जैसे आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, इसी को लिखते हैं एच इज इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, आपको, आप हमें पता है, आप सभी को याद होगा, हमें पूर्ण विश्वास है ये आप सभी को याद होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये जरूरत पड़ता है। जैसे
सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये जब बोल रहा है कि हमें ए से बी तक, ये इसका हाइपोटेनस हो गया, पॉइंट ए से बी तक ये हमको हाइपोटेनस हो गया ना, तो हम हाइपोटेनस को ए से बी, तो पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू लिख देते हैं, ए से बी नहीं लिखते, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, रूट अंडर, रूट अंडर एओ का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इज इक्वल टू एओ का वैल्यू कितना है, सिक्स का स्क्वायर प्लस ओबी कितना है, सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 प्लस 36 देन इज इक्वल टू रूट अंडर 72, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 6√2, यही इसका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट AB का डिस्प्लेसमेंट इतना, ये आंसर। इतना बात समझ में आई, चलिए आप इतना नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। चलिए अब क्या बताएंगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस में फॉलो करेगा या डिस्प्लेसमेंट में फॉलो करेगा, इसके लिए हमें डिफरेंस पता होगा तब ना, और डिफरेंस क्या है बताओ, हम तो बताएंगे जी, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस है ET, पहले पहले यहां लिख लीजिए डिस्टेंस, डिस्टेंस ठीक है, एक लाइन यहां खींच लीजिए ऐसे, अब यहां लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ये क्या है, इट इज एक्चुअल, इट इज कवर्ड बाय ना, इट इज एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लेंथ, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बाय ए बॉडी, क्या कह रहा है, इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, बट हम बताएंगे ये क्या होता है, इसका पहला पॉइंट, बट इट इज नॉट एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इट इज एक्चुअल पाथ, इट इज एक्चुअल पाथ डिस्टेंस का है कि जो जैसे जहां से स्टार्टिंग करने पर जिधर जिधर हम जाते हैं उसको टोटल को जोड़ के क्या बना है, डिस्टेंस का रिजल्टेंट आता है, मतलब पॉइंट, अगर ये पॉइंट से हम ये पॉइंट से स्टार्ट किए, ये पॉइंट से स्टार्ट किए, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए फिर यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए फिर इसके बाद बी पर आए, तो ये जोड़ा जाता है ये जोड़ा जाता है ये जोड़ा जाता है ये जोड़ा जाता है ये जोड़ा जाएगा ये जोड़ा जाएगा ये जोड़ा, टोटल को जोड़ के भी हमें क्या पता चलता है, ये डिस्टेंस का पता चलता है, कितना डिस्टेंस है, मतलब कह रहा है इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, मतलब डिस्टेंस में जहां हम जैसे जैसे जाते हैं वो टोटल एक्चुअल पाथ को कवर किया जाता है डिस्टेंस में, बट डिस्प्लेसमेंट पे नहीं, डिस्प्लेसमेंट में अगर यहां से स्टार्ट किए तो इसका डिस्प्लेसमेंट सीधा यहां से यहां मिल जाएगा,
ये इतना हम कैसे कैसे चलें उससे कोई मतलब नहीं, ये कहाँ कैसे कब चलें कोई मतलब नहीं, बस यहाँ से एकदम सीधा हमको आ जाना है या मिला देना है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यही बोला इट इज़ नॉट एक्चुअल पथ कवर्ड बाई ए बोर्ड है, हम तो चले इतना लेकिन हमको एक्चुअल पथ कवर किया नहीं, क्योंकि हम ये तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ है ये डिस्टेंस है वही कवर किया ना, यही ये कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट जो ये है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो आप थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इट इज always always positive value, it gives always positive value, ठीक है, but it gives positive value, नेगेटिव वैल्यू या जीरो, जीरो कर, इट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव वैल्यू देता है, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू प्लस या जीरो भी दे सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पॉइंट से स्टार्ट किए, यहां से ऐसे 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 पॉइंट बी पर आए, ठीक है, ये इसको हम जीरो पॉइंट ले लेते हैं, यहां से इधर आ गए, मान लें कि यहां से टोटल डिस्टेंस हो गया 4 2 2 2 2, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, चाहे इस पॉइंट को अगर हम यहां से उठाकर इधर आ जाए, ठीक है, ये बी पॉइंट इधर आ, यहां से चल के फिर ऐसे आए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब जितना इधर जोड़े फिर ये जितना डिस्टेंस ये रहा ये रहा ये रहा, टोटल ये फिर से जोड़ देंगे, मतलब कि जहां पॉइंट को रख दिया जाए सिर्फ दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, जहां भी पॉइंट रख दिया जाए इसका रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस का रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे वो बिंदु कहीं भी हो डिस्टेंस का रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट अगर वही डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट में अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट किए ए से बी पर आए, ठीक है, ए से बी पर आए, तो इसका तो वैल्यू पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर ये बी को है यहां से ए साइड आ गया, ठीक ना, बी यहां पे आ गया, बी इस पॉइंट पे, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहां से ये साइड हम गए तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया। अगर इसी का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई बिंदु को लाकर रख दिया जाए, उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट खोजा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इस बिंदु अगर ए से बी पर गए और बी से फिर ए पर चले आए, मतलब ए से बी पर गए बी से फिर हम ए पर चले आए, इस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो होगा, रिजल्टेंट जीरो होगा। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है फोर्थ,
ये फोर्थ क्या कह रहा है जी, नेवर जीरो, नेवर जीरो, ये कह रहा है मे वी जीरो, मे वी जीरो। आई बात समझ में, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, चाहे उल्टा डायरेक्शन में हो चाहे सीधा डायरेक्शन में, डिस्टेंस हमेशा जुटता है, मतलब जुटता है डिस्टेंस हमेशा जुटेगा, इसलिए कभी जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जुटेगा घटेगा, चाहे वो उसी पॉइंट पर आ जाएगा जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वहीं पे अंत भी होगा, तो समझिए उसका जीरो आ जाएगा, उसका मे भी जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे, इट्स गिव कंप्लीटली इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन, इट गिव्स इट गिव्स कंप्लीटली इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन, इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन, बट इट इज नॉट गिव्स कंप्लीटली इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन। अबाउट मोशन कह रहा है कि ये हमेशा है जो मोशन का कंप्लीटली इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगा कि किस कैसा मोशन हो रहा है, किधर का मोशन हो रहा है, टोटल बताएगा, बट ये डिस्प्लेसमेंट में कभी नहीं बताएगा कि किधर का कैसा, क्योंकि ये सिर्फ जैसे भी पथ कवर करे ये तो सिर्फ शॉर्टेज डिस्टेंस को देखता है, लेकिन ये है जो ये टोटल डिस्टेंस को देखता है, चाहे नीचे को ऊपर को, जैसे जिधर पथ कवर करेगा वैसा डिस्टेंस को मेजर करता है, मतलब कि ये किस टाइप का मोशन हो रहा है टोटल ये इंफॉर्मेशन देता, बट डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं देता। इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट को आपको नोट करवाते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि सब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि क्या देना है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो बताएं। यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंड इक्वल टाइम, अगर कोई इक्वल डिस्टेंस कवर कर पाता है कोई पार्टिकुलर या यूनिट टाइम पे, उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं विद कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन इसी में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, भाई क्या किसको कहते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो सबसे पहले समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म मोशन ये होता है इक्वल डिस्टेंस,
इक्वल डिस्टेंस कवर हो कोई यूनिट टाइम पे या सेम टाइम पे, अगर फर्स्ट वन सेकंड में डिस्टेंस 5-6 मीटर कवर किया गया तो नेक्स्ट वन सेकंड में भी 6 मीटर कवर हो किया जाए, अगर नेक्स्ट थर्ड सेकंड पे भी 6 मीटर कवर किया जाए, तो समझिए कि ये कौन सा प्रोसेस में चल रहा है, यूनिफॉर्म प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि इसमें स्पीड को कॉन्स्टेंट रखा गया, स्पीड कॉन्स्टेंट रखा गया, और स्पीड जब कॉन्स्टेंट होगा तो डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, डिस्टेंस में चेंजिंग आएगा तो समझिए कि वो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। जैसे में आप यहां देख सकते हैं, जैसे एक ये पाथ है, चलिए पाथ इसको मान लिए, अगर ये इसको जीरो मान लेते हैं, अगर ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड में ये सेकंड सेकंड, ये थर्ड सेकंड, ये फोर्थ सेकंड, इतना ही लेते हैं, ठीक है, ये फोर्थ सेकंड। चलिए अगर यहां से यहां डिस्टेंस उसको 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां भी अगर 5 सेंटीमीटर कवर किया, यहां से यहां 5 सेंटीमीटर कवर किया, यहां से यहां भी 5 सेंटीमीटर कवर किया, मतलब करा कि हर 1 सेकंड में यहां से लेके यहां 1 सेकंड, यहां से यहां 1 सेकंड, यहां से यहां 1 सेकंड, यहां से 1, मतलब हर 1 सेकंड में 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया गया है। इसका मतलब कि ये कौन सा मोशन चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा स्पीड कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगा तभी ये यूनिफॉर्म मोशन वैरिएट करेगा, अगर स्पीड जहां वैरी हुआ तो डिस्टेंस में चेंजिंग आ जाएगा, जहां डिस्टेंस में चेंजिंग आ गया तो वह स्पीड में चेंजिंग आ जाएगा, इसीलिए हर यूनिट टाइम पे अगर डिस्टेंस सेम हो उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन स्पीड कांस्टेंट होने पर ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यहां से यहां ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, सपोज यहां से यहां 2 मीटर डिस्टेंस को, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, यहां से यहां 5, यहां से यहां 6, ऐसे से करके बढ़ रहा है, मतलब कि हर सेकंड पे यहां पे डिस्टेंस वेरी कर रहा है, मतलब हर पार्ट पे डिस्टेंस वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे स्पीड वेरिएबल हो गया कि नहीं, यहाँ तो स्पीड कांस्टेंट हो गया था क्योंकि डिस्टेंस सेम है, टाइम भी सेम है, तो हर कंडीशन में स्पीड सेम हो गया, स्पीड सेम है तभी ना डिस्टेंस इक्वल कवर किया जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट तभी ना इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ स्पीड तो वेरी कर गया क्योंकि हर एक सेकेंड पे इसका डिस्टेंस चेंजिंग आ रहा है, चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में है। जब कोई यूनिट टाइम पे अगर हर एक यूनिट टाइम पे डिस्टेंस चेंजिंग होता रहे तो समझिए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब चलिए इतना बात समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम एक और हम देते हैं कि क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मोशन को कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे इसको बोलते हैं स्पीड को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, स्पीड्स को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। Measuring the rate of motion, किसी motion को कैसे measure करना है ये हम सीखेंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो speed होता है, speed जो होता है वो क्या होता है, स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस,
कवर्ड बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, मतलब कि एक यूनिट पे कितना डिस्टेंस कवर किया गया है उसी को हम बोलते हैं स्पीड। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेते हैं कि एक सपोज ये एक सपोज एक रेड नहीं चल रहा जी, सपोज ये पाथ है, ठीक है, पाथ नहीं पिच। क्रिकेट तो देखे होगे ना जी, क्रिकेट देखे हो, क्रिकेट में देखे हो कि लिखता है जैसे मैं ट्रेंट बोल्ट कोई प्लेयर का नेम कि बॉलिंग स्पीड, बॉलिंग स्पीड क्या लिखता है जैसे बॉलिंग स्पीड, बॉलिंग स्पीड, बॉलिंग स्पीड क्या लिखता है, पहला बॉल कितना है 160.1 किलोमीटर पर आवर, फिर कोई दूसरा बॉल आ गया तो उसको लिख दिया 128.8 किलोमीटर पर आवर। ये है क्या, ये क्या शो कर रहा है? वही हम देखेंगे कि स्पीड क्या कैसे शो किया जाता है, स्पीड को कैसे शो किया जाता है। तो जैसे यहाँ हो गया, ये आप मान लीजिए ये विकेट है, यहाँ से ये विकेट है, ठीक है। अब देखिए अगर यहां से बॉल को थ्रो किया जाता है ये पॉइंट से, इस पॉइंट से देखा जाता है, अगर ये बॉल का सपोज इससे यहां का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो, ठीक है, अगर यहां से बॉल को थ्रो किया जाता है, जब इस पॉइंट से बॉल को यहां से थ्रो करके यहां लाया जाए तो जब इस पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगे, यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगे, ठीक है, डिस्टेंस तो फिक्स है क्योंकि पाथ जो होता है, पिच जो होता है हमेशा फिक्स डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस फिक्स है, इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस लगा यहां लग रहा है, इतना डिस्टेंस को बॉल को पार होने में कितना टाइम लग रहा है ये कैलकुलेट करके स्पीड बताया जाता है। जैसे डिस्टेंस हमको पता है तो यहां डिस्टेंस टोटल हो जाएगा डिस्टेंस और बाई कि इतना डिस्टेंस को कितना टाइम में वो पास कर रहा है, कितना टाइम में यहां से यहां तक वो कवर कर लेता है, तो डिवाइडेड बाई टाइम, यही आपको स्पीड बताएगा। वही ना बताता है स्पीड, टोटल डिस्टेंस आ जाता है इतना से यहां तक बॉल पास होने में कितना समय लगा भाई, इतना समय लगा, डिवाइडेड बाई समय कर दिए, टाइम कर दिए, तो यही आपका स्पीड आ गया, यही आपका स्पीड हो गया, ठीक है। अब समझ आया कि स्पीड क्या होता है। अब इसी में एक और पॉइंट देखिए कि जैसे स्पीड तो हम देखिए अभी स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर दिया, अब भाई किलोमीटर पर आवर कैसे दिया है, इसका भी तो कोई फंडा होगा भाई, ऑफ कोर्स फंडा है। देखो क्या है, ये फंडा ये है कि सबसे पहले एक शॉर्टकट की यहां पर लिख लेते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर, ये स्टैंडर्ड यूनिट हुआ किलोमीटर, इसी को एक और लिख सकते हैं मीटर। उसी तरह से टाइम, टाइम इज इक्वल टू ये होता है आवर, इसी ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, इसी को हम लिखते हैं सेकंड, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट की एक तरह से हो गया, ठीक है, इसी को। तब आप समझिए कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो यहां पर डिस्टेंस दिया हुआ है डिस्टेंस बाय टाइम, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला हो गया जनरल फॉर्मूला। तो डिस्टेंस किलोमीटर है तो इसको किलोमीटर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, टाइम इसको आवर में आवर लिखते हैं, तभी ना स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर, यही ना हुआ। इसी को एक और लिख सकते हैं तो मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट, यही आपका स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर पर आवर, इसी को मीटर पर सेकेंड में हम
चेंज करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को लिखेंगे कि भाई स्पीड तो हो गया, अब एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, ये तो स्पीड इतना हो गया, इसको हम कैसे मेजर करते हैं आपको बता दिए कि टोटल डिस्टेंस दे देंगे, उसके बाद बाय टोटल टाइम कर देंगे, तभी आपको डिस्टेंस स्पीड का मेजरमेंट आ जाएगा। अब हम लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड, इसी को हम बोलते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जितना डिस्टेंस हो उतना में भाई डिवाइड कर देना है टाइम से, यही आपका एवरेज स्पीड हो गया। इससे रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन करते हैं, जैसे एवरेज स्पीड इससे जरूरी है, जैसे मान लिया जाए कि हम पॉइंट ए मतलब कोई लड़का वन पहला लड़का 10 किलोमीटर चला 15 का स्पीड से, 10 किलोमीटर चला 15 मिनट में, 10 किलोमीटर चला या 15 घंटा में या एक घंटा में, और दूसरा लड़का 22 किलोमीटर चला 6 घंटा में। तो आप बताइए कि दोनों को इंक्लूड करके इसका एवरेज स्पीड क्या हुआ, ये दोनों को मिलाने के बाद एवरेज स्पीड इसका क्या निकलता है। तो वही एवरेज स्पीड वही निकालने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे एक आपको क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन सपोज बी वन भैया बस वन क्या है, बस वन 50 किलोमीटर, बस पहला बस है जो 50 किलोमीटर को कवर करता है कितना घंटा में, मान लिया जाए 50 किलोमीटर कवर करता है 8 आवर्स में। अब मान लिया जाए कि बस टू कितना कवर, 40 किलोमीटर कवर करता है, 40 किलोमीटर कवर करता है 7 आवर्स में, मतलब 50 किलोमीटर 8 आवर्स में, 40 किलोमीटर 7 आवर्स में कवर करता है। अब इसका बताइए कि एवरेज स्पीड या एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए भी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, टोटल डिस्टेंस कैसे हो गया, बस वन प्लस बस टू डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। इसको हम टाइम वन मान लेते हैं, टाइम वन इज इक्वल टू इतना, टाइम टू इज इक्वल टू इतना, ये हो गया। अब इसी को हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 या 8 प्लस 7 कुछ भी लिखिए, 8 प्लस 7 देन इज इक्वल टू, इसमें क्या लगा देना, ये हो गया किलोमीटर और नीचे क्या हो गया, ये आवर्स। तब इसको 90/15 किलोमीटर डिवाइडेड बाई आवर, 15 6 इतना, देन इम्प्लाइड 6 किलोमीटर पर आवर्स या पर आवर, ये आपका क्या आ गया, एवरेज भी एवरेज या एवरेज स्पीड आ गया। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया जो भी बताए हैं। बस आज के लिए बस इतना ही, अब आपको कल स्टार्ट किया जाएगा एवरेज वेलोसिटी, जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सलरेशन और कुछ ग्राफ, ये ग्राफ के कुछ क्वेश्चन बताया जाएगा, ये इतना चीज कल होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ये वीडियो को फैलाएं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।